स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा इलैक्ट्रिकल सेफ्टी चैनल विच। अज दी वीडियो विच असीं गल करांगे कि अपने जो सीलिंग फैन हुंदा है उसकी फिटिंग किस तरह कर सकते हैं। तुसीं देख सकते हो कि वीडियो विच साडे कोल बिल्कुल न्यू सीलिंग फैन है और इस नूं किस तरह फिट करना है और इस दी वायरिंग किस तरह करनी है और इस नूं किस तरह लगाउणा है, इस उपर असीं वीडियो बनावांगे। सो वीडियो शुरू करन तों पहलां जेकर तुसीं वीडियो विच नवे हो तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक करियो, सबसक्राइब करियो और बैल आइकन नूं जरूर दबायो। सो सब तो पहला तुसीं देख सकते हो कि इस उपर दो नट लगे हुए हैं जिस उपर असी अपने जो ये पंखे के पार होंगे इन्हों लगाना है। सो असी इस इन्हों नटा खोल लें सब तो पहला, चलो असी इस खोल लें। ये सारे जो नट है तुसीं देख सकते हो 6 नट है टोटल, इन उपर 3 पार लगन गए, इन्हों सारे असी खोल लवेंगे। सब तो पहला असी एक साइड खोल के तुम दिखा दें। सो इस प्रकार ना तुसीं इस खोल के जो ये थले चिप जो तुसी देख रहे हो थले जो पट्टी सी लगी हुई है इसनों जरूर लगाओ क्योंकि यह पकड़ बनाने मदद कर। सो पर लगाने तो पहला ये पर उपर यह डिज़ाइन लगेगा, तुसी देख सकते हो ये डिज़ाइन है साडा। इसनों असी इस तरह इस प्रकार नाल अपने पर उत्ते लगावांगे और पिछे असी स्क्रू जो साडे कोल स्क्रू है तुम दिखाने स्क्रू भी स्क्रू नाल इसनों टाइट कर देवांगे। तुसी देख सकते हो छोटे छोटे स्क्रू हन, इन्हों लगा के असी अच्छी तरह टाइट कर देवांगे। सो तुसी देख सकते हो असी स्क्रू ला के लगा दिते हन, यह चंगी तरह टाइट हो चुका है, कुछ इस प्रकार ना यह दिखेगा। सो असी हुण इसनों अपने फैन विच लगा लें। चलो इस पर असी फैन विच नट टाइट करके लगा लें। सो इस प्रकार ना तुसी देख सकते हो कि असी तिन्ने जो इसके पंख है जो पर है इन्हों असी टाइट कर चुके हैं और इस तरह साडा जो पंखा है बन के तैयार है। हुण तुसी ये देख सकते हो कि इस उपर एक डंडी लगी हुई है जिस नाल असी कलंप लगा के छत उपर इसनों टंगांगे। सो ये नीचे कुछ इस प्रकार ना दिखेगा, इसका डिज़ाइन जो साडे पंखे विच लगा होया सी जिसनों असी बाद च लगाया सी इस प्रकार ना दिखेगा। सो हुण असी अपनी जो ये डंडी खोल के इसके जो सीलिंग फैन के जो कनैक्शन हैं वह करांगे। सो सब तो पहला असी अपनी डंडी खोल के जो ये पाइप है इसनों खोल के इस विचों दी तार लगावांगे। सो असी तार नूं दोहरी करके अपने पाइप के छेद थानी अंदर नूं करांगे तां कि साडी तार जो है बाहर नूं जो उपर वाले कनैक्शन हुंदे हन उस विच चले जाण। सो इस प्रकार ना तुसीं अपनी तार नूं जितनी चाहे थल्ले रखनी है जां उपर रखनी है एडजस्ट कर लियो तां कि तुहानूं कनैक्शन करन विच कोई प्रॉब्लम ना होवे। सो इस प्रकार ना असीं अपने जो पाइप विचों दी तार लैनी है यह कढ दित्ती है। सो हुण असीं इस नूं कट के तुहानूं दिखा दिंदे आ, कटांगे अपनी इस तार नूं कट देवांगे जिन्नी कि सानूं चाहिए उन्नी रख लवांगे। सो जिस तरह के तुहानूं दस्सिया सी असीं अपनी तार नूं जिन्नी चाहिए उन्नी कट ली है, हुण असीं इस नूं उपरों भी कट लवांगे। तुसीं देख सकते हो तां कि यह दो तारां बन जाण जिस नाल जो साडी एक तार मेन विच जाएगी और एक न्यूट्रल विच जाएगी और जो ये थल्ले है इसनों असीं इस प्रकार नाल टाइट करके पाइप नूं अपने जो अपना जो सैल है सैल दे नाल कनैक्ट कर देवांगे। तुहानूं दस दिंदे आ कि जिहड़ा भी नवा पंखा हुंदा है उस विच शुरू तो ही सारे कनैक्शन किए हुए होंगे ने, इस करके सानूं ज़्यादा कुछ करन दी जरूरत नहीं पैंदी। इस करके असी सिर्फ अपने ये जो आपां नवीं तार पाई है पाइप थानी इसनों छिल के और अपने जो ये सैल विच है सैल विच कनैक्शन कर देवांगे। सो इस प्रकार ना पहला असी अपनी डंडी नूं लगा के यह जो नट है जो नट और स्क्रू है इसनों टाइट करांगे प्लास की मदद नाल। चंगी तरह टाइट करियो तां कि हिले ना। जे असी चंगी तरह टाइट कर लिया हुण तुसी ये पिन देख रहे होवोगे, इस पिन नूं असी अपने जो ये स्क्रू है इस दे अंदर लगा देवांगे और चंगी तरह इस नूं मरोड़ देवांगे तां कि यह जो जेकर साडा बाई चांस स्क्रू ढिला भी हो जाए तो यह पिन दे करके जो ये नट है यह खुले ना, ठीक है। इस करके असी इस पिन की वरतों करते हैं। सो यह तो साडा हो गया जी पाइप लग चुका है, हुण इस दे नाल असी अपने कनैक्शन कंसडर अपने कनैक्शन सैल दे विच लगा दिंदे आ। सो जिस तरह के तुसीं देख सकते हो कि असी अपने कनैक्शन है ये लगा रहे हैं इस कनैक्शन ब्लॉक विच, सानू कनैक्शन ब्लॉक दिते हुए हैं इस कनैक्शन ब्लॉक विच अपने कनैक्शन लगा दिंदे आ। सो इस नूं लगा के तुहानूं दिखा दिंदे आ। सो देख सकते हो तुसीं कि असी अपने कनैक्शन ब्लॉक विच दोवें कनैक्शन जिहड़े है ये जोड़ चुके हैं, हुण असी इस नूं छत उत्ते लगावांगे। सो इस प्रकार नाल साडे कनैक्शन जो है साडे पंखे दे कनैक्शन लग चुके हैं, हुण इस उपर असी कवर जिहड़ा हुंदा है जो साडा एक सैल वाली साइड नूं लगेगा इस प्रकार ना, ठीक है।
ਇਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵਰ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਵਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਦਾ ਜੋ ਮੂੰਹ ਹੈ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਪੱਖੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਵਰਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਓਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਪੱਖਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।